सभी साथियों का स्वागत है समता आवाज़ टीवी पर। मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं राजाराम जी, किसी नाम के मोहताज नहीं है। शायद ही कोई ऐसा माननीय काशीराम साहब से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, शायद ही राजाराम जी को उनके मंचों पर ना देखा गया हो। बहन जी के लिए, माननीय काशीराम साहब के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए राजाराम जी लोक गायक के रूप में फेमस हैं और आज मेरे साथ हैं। राजाराम जी, कब से आप इस क्षेत्र में हैं और माननीय काशीराम साहब के साथ तो आपने कई साल बिताए? सर, मैं 1990 में लग गया था इस क्षेत्र में। गायकी तो थी ही शुरू से, बचपन से जी, लेकिन और ही छोटे मोटे गाने वाने गाते थे। लेकिन जब समाज की व्यथा देखी, समाज में छुआछात भावना थी, लोग करते थे हमारे साथ भी स्कूलों में भी होता था हमारे साथ। जब गांव गए, पहले तो हम चंडीगढ़ पढ़े छठी क्लास तक, फिर गांव गए तो वहां बहुत भेदभाव होता था, तो गाने का शौक था। फिर एक बार साहब काशीराम जी भिवानी आए थे, तो वहां उनके कार्यक्रम में मेरे को लेके गए कुछ साथी, इधर भिवानी जिले से ही थे। तो तब से लेकर के मुझे पता चला कि असली लड़ाई तो हमारी ये है, असली दुखड़े तो यहाँ हमारे, जो साहब काशीराम जी बता रहे हैं कि तुम्हारे दुखों का निवारण कहीं है तो अपने बहुजन मूवमेंट के अंदर है। उसी मिशन में तब से लगा हुआ हूँ मैं, तब से लेकर आज तक हम पीछे नहीं हटे हैं। बाबा साहब की विचारधारा को, माननीय साहब काशीराम जी की विचारधारा को, बहन जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। राजाराम जी, लगातार कई दशकों से आप समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, कमी कहाँ है? कमी शायद हमारे काम करने में की क्षमता में हो या लोगों की समझने में हो। जो गुमराह जल्दी हो जाते हैं हमारे नेताओं की बात, हमारे जो महापुरुष हैं और रहबरों को ना तो हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, ना अच्छे से उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा पाते हैं, थका हार जाते हैं जल्दी ही। जी जी जी, दृढ़ संकल्प नहीं है हमारे लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है? नहीं, आर्थिक तंगी तो है ही जी हमारे पास, जब से गुलाम हुए हैं, हमारा राजपाट जब से छीना गया है, जब से हम गुलाम हुए तो आर्थिक तंगी तो रही है। लेकिन संघर्ष से तो पीछे नहीं हट सकते ना, संघर्ष से तो मुँह नहीं मोड़ना चाहिए हम लोगों। आपने बसपा के लिए लगातार कई दशकों तक गायकी की है और भीड़ जुटाने का काम किया है, क्या लगता है? मतलब चार चार बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी और अभी 10 पर आकर सिमट गई। कोई बात नहीं, 10 तो 10 लोकसभा है तो, और इतना बड़ा माहौल इन लोगों ने बनाया था, मीडिया को खरीद लिया, ईवीएम का सारा सिस्टम था ये, तो समय बदलता है, प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलेगा समय। बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी आपकी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, जल्द ही वो बात बनेगी और बहन जी जल्द ही परिवर्तन लेकर के आएगी। पूरा समाज, बहुजन समाज, सर्व समाज बहन जी के साथ है, कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। मतलब अभी आस है आपके अंदर? पूरी की पूरी आस है और परिवर्तन होगा। मैंने कविता बनाई थी कि अब के इलेक्शन में रिजल्ट देख लेना, हाथी कर दे सबका तख्ता, पलट देख लेना। जी, दो लाइन हो जाए। अब के इलेक्शन में रिजल्ट देख लेना, यू हाथी कर दे सबका तख्ता, पलट देख लेना, तू भी जोर लगा ले और अब सत्ता को कब्जा ले, हाथी का बटन दबा ले, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं ठीक कहूँ सो भाई तेरा उद्धार हो जाएगा, नीले झंडे को उठा ले, भाईचारे को बना ले, हाथी का बटन दबा ले, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा हताश हैं, उनकी संख्या कुछ ज़्यादा है, जो लगातार बहन जी के ऊपर तंज कस रहे हैं, बहन जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और आपने कहा कि आपको आशा है कि बहन जी कुछ ना कुछ नया बदलाव लाएंगी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बेचारे, उनके अंदर मानसिकता थोड़ी खराब हो गई होगी उनकी, या गुमराह हो जाते हैं हमारे लोग, जल्दी बहकाव में आ जाते हैं। उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि महापुरुषों ने इतनी ज़्यादा कुर्बानी, बहन जी ने और साहब ने पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए हम नज़रअंदाज ना करें और अपने हिम्मत और हौसले को बनाए रखें। ज़रूर परिवर्तन होगा, समय परिवर्तनशील है, बहन जी जरूर परिवर्तन लेके आएंगी, आपको सत्ता पे काबिज करेंगे। साथियों, आपने सुने राजाराम जी के विचार, किस तरह से बड़े दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने कहा है कि एक बार हमारा पुनः समय बदलेगा और डॉक्टर अम्बेडकर के राह पर चलते हुए हम अपनी मंजिल को, जैसे कि 21वीं सदी हमारी है, बाबा साहब ने कहा था, तो हम अपनी मंजिल को पाएंगे। राजाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समता आवाज़ टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय भीम। जय भीम। समता आवाज़ टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज़ की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।